साहिब जी, तुम दयाल सर्व दुख भंजन, एक बिनो सुनहो दे काने, जितते तुम मिले हर स्वामी, सो सतगुर मेल मेरा प्राणे। राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने, हम मूड मुगद अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जाने। हम मूड मुगद अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जाने। सगल द्वार कौ छाड कै गहे ओ तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोविंद तुहार, बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। बसंत महला पंजवा, किल बिख बिनसे गाए गुना, अन दिन उपजी सहज तुना, किल बिख बिनसे गाए गुना, अन दिन उपजी सहज तुना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। राजान राज पानान पान सतगुरु साहेब, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर चौजी प्रीतम बाला प्रीतम मेहरा दे साई साहेब सतगुरु श्री गुरु हरिकृष्ण साहेब सच्चे पातशाह जी दे प्रेम दे विच साहिबां दे चरणां दा ध्यान धर के आप सब संगतां गुरुद्वारा बंगला साहिब दी धरती विखे सतगुरु दी हजूरी दे अंदर नाम दा निग माण रहे हो। सतगुरु ने अपार बख्शिश कीती है खालसा जीओ। अमृत वेले तो गुरु के दरबार दियां हाजरियां भरन लई इह घड़ियां बख्शियां हजूरी कीर्तनीय सिंघां पासों आसा जी की वार दे कीर्तन कीते गए। उपरंत तरस होया सतगुरु दा जो कि सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र बाणी दी विचार नूं सरवण करके उस विचार नूं अपने मन दे विच वसा करके अपने संसारक जीवन दे अंदर निरंकार दे नाम दी तरंगा जगाइए। भाव के बाणी दी विचार सरवण करिए, विचार करिए कि पातशाह की समझाउंदे ने कि जीवन विच क्रांति किवें आवेगी, जीवन दे विच निरंकार दी याद किवें वसेगी, और जदों निरंकार दी याद वस जावे परमात्मा दा नाम रसना ते टिक जावे ते फिर प्राप्त की होवेगा। क्योंकि संसार दे पदार्थां नूं प्राप्त करके की लाभ होना है इह संसार दा बंदा भली भांति जाणदा है, ते उन्हां पदार्थां नूं पाउण दे लई वक्खो वक्खरे जतन करदा है।
पर हैरानी दी गल है कि पता है जो वस्तु जो आनंद संसार दे पदार्थ नहीं दे सकते ओ आनंद ओ परम आनंद दी बख्शिश मैनू निरंकार दे नाम ने करनी है। पर महाराज कहिंदे संसार दे पदार्थां नूं ते लभी जा रहा है, निरंकार दे नाम दी भाल हजे शुरू ही नहीं की। सो आओ सतगुरु दे चरणा दा आसरा तकीए। धन गुरु हर कृष्ण साहब सच्चे पातशाह दे चरणा विच अरदास करिए कि कहां बुद्ध प्रभ तुष हमारी, वर्ण सकै महिमा जो तिहारी, हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतगुरु कृपा करन सीस ते मेहर भरिया हथ रख के अज दे शब्द दी विचार अपने गुरु के सिखां दी रसना तो करवा लैण। आओ रसना पवित्र करिए, दोनों हाथ जोड़ के साहिबां नूं सीस नवाईए। सतगुरु गुरु हर कृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन चरणा दा ध्यान अपने मना दे विच टकाओ और उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। बसंत महला पंजवा। सो गुरु स्वरूप गुरु खालसा सतसंग जी, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी बाणी दी लड़ी वार विचार जो के अंग 1184 दे उपर बसंत राग दे शब्द ते पहुंच चुकी है। और मैं बेनती करां कि जिथे बसंत एक राग दा नाम है उत्थे प्यार वाले ओ बसंत दे अखरी अर्थ ने वसदा रहना, जेड़ा सदा ही वास करदा रवे। ते सतगुरु कहिंदे जे तू बसंत राग दी धुनी दे अंदर उस परमात्मा दे गीत गावेंगा, सच जानी ओ सदा वसदा होया परमात्मा तेरे हिरदे विच वास कर जावेगा। हर के दर याद खुदा कायम बवद, ता खुदा कायम बवद दायम बवद। भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी बड़ा सोहना फरमान करते ने कि जे सदा वसदे रहन वाले परमात्मा दी याद विच जुड़ेगा, याद रखी गुरु क्या सिखा, ओ खुदा ओ सदा कायम रहन वाला है, जे ओदी याद विच जुड़ेगा तेरी हस्ती भी सदा कायम रहेगी। जे तू इबादत करेगा बंदगी करेगा हर के दर याद खुदा कायम बवद, ता खुदा कायम बवद दायम बवद। सो अज दे पावन पवित्र शब्द नूं सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज प्यार वाले वारे वारे जाइए सतगुरां तों, क्योंकि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दा एक वचन है सरबलोक ग्रंथ विच। वह कहिंदे ने गुरु क्यों सिखो धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा दे उत्ते बार बार सिजदा करो, बार बार नमस्कार करो, डंडौत करो। क्यों? क्योंकि अर्जन शब्द जहाज गुरु पद पंकज सब सृष्ट उधारे। सतगुरु कहिंदे ने धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने उस शब्द गुरु दे लड़ लाया जिस शब्द गुरु दे अभ्यास विच इतनी ताकत है इतनी समर्था है कि जेकर इन्हां दे चरणां दा ध्यान धर के कोई हजूरी विच आके सहज पाठ कर लवे, सहज पाठ करके उस बाणी दे अर्थां नूं समझ लवे। कहिंदे ने केवल एक जां दो बंदे नहीं, इस शब्द गुरु विच इतनी ताकत है इह सारी सृष्टि नूं पार लंघा सकदे ने। गुरबाणी दे अखरां विच इह कला है इह समर्था है। मैं अक्सर एक बेनती करदा हुंना कि जदों गुरु का सिख गुरबाणी पढ़े, जदों गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच आवे ते मन दे विच एक वखरा वैराग एक अलाही प्रेम होवे। क्योंकि प्यार वालिओ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬਦਲ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੀ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। पर गुरबाणी दे अखरां विच ए समर्था जरूर है जे गुरु का सिख किते भावना नाल पढ़ लवे ते गुरबाणी दे अखर उस बंदे दे जीवन नूं पलट के रख देंदे ने। ए ताकत है गुरबाणी दे अंदर।
सो धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह अपनी मुबारक रसना तो बसंत राग दे अंदर उचारण करते हैं। किल बिख बिनसे गाए गुना। सतगुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी समझाते ने गुरु क्या सिखा उस अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा दे नाम दे गुण गाया कर, नाम दी धुनी विच जुड़िया कर, क्योंकि जीवन विच परेशानियां ने अड़चना ने रुकावटां ने कहंदे ने केवल एक जां दो नहीं, जे उस परमात्मा दे गुणा नूं गावेंगा किल बिख बिनसे गाए गुना, सारे हर एक तरह का पाप हर एक तरह का दुख दुख दर्द भाव निकट ना तिन नरके रहे, दुख दलिद्र नेड़े नहीं होणगे उन्हां दा विनाश हो जाएगा, पर कदों जदों परमात्मा दे गुणा नूं गाएगा। पर खालसा जी सवाल बड़ा वड्डा भी गुण गाउणा की है। वेखो एक तां आपां रोजाना अमृत वेले उठ करके अपने आसन ते चौंकड़ा ला करके वाहेगुरू का सिमरन करते हैं ते करना भी चाहिए है, ते उदों तक करना चाहिए है बारंबार बार प्रभ जपिया पी अमृत एह मन तन तृपिया, उदों तक सतनाम वाहेगुरु नूं आवाजा मारीए जदों तक ये सुरती दे कपाट खोल के गलवकड़ी नहीं पा लैंदा, उदों तक उहनूं आवाज लाईए। एक ते है गुण गाउणा चौंकड़ा लगा करके सिमरन करना, बाणी पढ़नी, परमात्मा दे गुणा नूं गाणा, ते प्यार वाले एक गुण गाउणे ने जदों आपां संसार दे विच विचरीए जदों कुदरत दे करिश्मे तकीए ते साडी रसना ये गल कवे कि एक कुदरत ते जिथे धन है पर जिन्हें कुदरत नूं ये करिश्मे बख्शे ने इतनी सुंदरता बख्शी है ये सारी खेड परमात्मा दी। जदों संसार का कोई भी गुणवान बंदा सी वेखीए तो सानू निरंकार चेते आवे, भाव के हर एक जीव जंतु दे अंदरों सानू निरंकार दे गुण चेते आउण। वेखो कई बार आपां शब्द वरत जाने कि यह शख्सियत दे अंदर बहुत गुण ने जां उस दे अंदर बहुत ताकत है, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह एक गल समझाउंदे ने गुरु क्या सिखा, संसार दे गुणा नूं संसार दीआं ताकतां नूं तू जदों भी तके ते तेरी सुरती तेरा मन निरंकार दे प्रेम दे विच भिजना चाहीदा, तेरा मन निरंकार दे नाम विच भिजना चाहीदा, क्योंकि खालक खलक खलक दर खालक, दिल अंदर दीदान सरस्त नूर न अल्लाह नूर न रोशन दिल बेजारा चू हैवान अस्त, क्योंकि हर एक दे अंदर कण कण दे अंदर वह निरंकार है। सो एक गुण गाउणे ने खालसा जी अपने घर दे विच जां गुरु की हजूरी दे अंदर आके बाणी पढ़नी, ते एक गुण आउणे जदों आपां संसार च विचरीए ते सानू सदा निरंकार चेते रवे, संसार वल तकीए ते निरंकार चेते आवे संसार चेते च ही ना आवे। सो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज समझाउंदे ने गुरु क्या सिखा, अज परेशानी है जीवन दे विच अड़चना ने एक काम करिया कर, जदों दिन चढ़दा उहदे गुणा नूं गाया कर, दिन चढ़दिआं परमात्मा दे गुण गा के दिन की शुरुआत करिया कर, दिन सफला हो जाएगा। क्योंकि माफ करना अज आपां दिने उठदे आं जाग खुलदी है पर प्यार वाले दिन सफला सारिआं दा नहीं हो रहा, सारिआं दा दिन सफला नहीं, यह जिहड़ा सूरज रोजाना उदय हो रहा है यह सारिआं लई कोई सफलता की निशानी बन के नहीं आता। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का फरमान है सूरज चढ़ै विजोग, कहिंदे ने जदों दिन वेले सूरज उदय हुंदा है सूरज का प्रकाश हुंदा है कहिंदे ने सूरज का संजोग संसार लई कई बार विजोग बन जाता है, क्योंकि वेखो जदों एक दिन चढ़ता है तो इस गल की निशानी है भी अज साडी एक दिन की उम्र होर घट गई, अज साडी एक दिन की उम्र होर घट गई, सूरज चढ़ा विजोग सब महे घटे आरजा, सारिया की आरजा घट रही है आयु घट रही है, इस करके सतगुरु कहिंदे ने काम करिया कर तेरा दिन सफला हो जावे, तेरे साह आ रहे ने ये साह सफले हो जाण, तेरी जिंदगी की बाजी तू हार ना जावे उस परमात्मा दे गुण गाया कर, क्योंकि तन मन रत्ता पोग कोई हार है को जिना है, ये जिहड़ा प्यारिओ साडा तन है कई बंदिआं दा ना तन भोग भोग रहा है, भाव के वाशनावां नूं भोग रहा है,
पर कईयां दा तन नहीं भोगदा, उन्हां दा मन हर पल विशियां वकारां दे विच गलकत हो जांदा है। ते कहिंदे ने जिहड़े विशियां वकारां च गलकत हो जांदे ने उह जिंदगी दी बाजी हार जांदे ने। उन्हां दा दिन जिहड़ा चढ़िया हुंदा है उह सफला नहीं हुंदा, व्यर्थ चलिया जांदा है। पर जिंदगी दी बाजी जितदे को किहड़े ने, तेरे नाए रते से जिण गए, हार गए से ठगण वाले। जिहड़े परमात्मा दे नाम दे विच रंगे होण खालसा जी, उही जिंदगी दी बाजी जितदे ने। ते मैं बेनती करा कि सतगुरु ने कहा भी किल विख विणसे गाए गुणा। अज सानू साडे प्रश्न का जवाब मिल गया कि जीवन दीयां सारियां परेशानियां दूर हो जाणगियां, सारे जन्मा जन्मा दे दुख दलिद्र दूर हो जाणगे जे गुण गावांगे। फिर अपने साहां नू सांभ के गुण गाउण दा जतन करिए। भाई नंद लाल साहब जी ने ना एक बचन किया, कहिंदे ने संसार दा बंदा पता नहीं केड़ी मस्ती विच घूमिया फिरदा है, किस चीज़ दी मलकीयत रखी फिरदा है। इस बंदे कोल ते केवल जे मलकीयत है किसी चीज़ दी, केवल एक साह दी है। जेड़ा आपां साह लै रहे हैं ना, केवल ते केवल इसे एक साह दी मलकीयत है। ये नहीं पता भी अगला साह आना है कि नहीं, कहिंदे ने ये नहीं पता भी अगला साह आना है कि नहीं। इस करके भाई नंद लाल साहब कहिंदे ने हर एक साह दे नाल स्वास ग्रास तू उस परमात्मा नू चेते रखिया कर, क्योंकि जेकर तेरे कोल कोई मलकीयत है, तेरे कोल कोई वस्तु इस पल मौजूद है, ते केवल यह साह है परमात्मा वालों बख्शिया। यकदम बखेशरा ना बुरदम के कीशतम, केवल ते केवल एक साह दी मलकीयत तेरे कोल है। इसे करके सतगुरु ने कहा जो सास गिरास ते आवे मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन पावे। ते आपां कहांगे काम कर करदे आ सास गिरास ते होना। वेखो कई बार बंदा जॉब ते जांदा है जां स्कूल दे विच पढ़ावे जां किसे भी जगह ते काम करे ना, ते साडा शरीर साडियां अखां साडी ये रसना साडे ये कन्न बाहर दीआं क्रियावां करदे ने, पर ये जिहड़ी सुरती है ये जिहड़ा मन है। कई बार ऑफिस विच बैठा हुंदा है ते मन घर विच जांदा है बच्चियां वल। कई बार ये तन किसे काम करके विदेश गया हुंदा है, पर साडा मन हर पल घर विच टिकिया रहिंदा है। इस करके कहिंदे ने जिहड़ा तेरा मन हर पल इधर उधर भजदा है, उस मन नू परमात्मा दे चरणा वल जोड़। जदों भी कोई काम करे चेते विच ये मौजूदगी महसूस होवे कि गुरु मेरा संग सदा है नाले, धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह मेरे नाल ने, उन्हां दी मेहर भरी छड़ी मेरे शीश ते है, ते मैं उन्हां नू सदा सिजदा करना है, बार 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 प्रभ जपिए, बार बार उन्हां नू धन कहना है। सो सतगुरु कहिंदे ने सारे किल विख विणसे पाप दलिद्र दुख कलेश दूर हो जाएंगे जे परमात्मा दे गुणा दा गायन करेगा। अनदिन उपजी सहज तुना। खालसा जी जे रोजाना परमात्मा दे नाम दा अभ्यास करांगे, मान लो सतनाम वाहेगुरु दा जां वाहेगुरु गुरमंत्र दा जां मूल मंत्र दा अभ्यास करांगे ना, वेखो अनदिन उपजी सहज तुना, निस बासर दिने रात तेरे चेहरे दे उत्ते एक सहज अवस्था झलकेगी। जिहड़े बाणी पढ़दे ने बाणी दा अभ्यास करदे ने उहनां दे चेहरियां दे उत्ते एक खेड़ा हुंदा है। आपां सारे इह गल नूं नोट करदे आं, सुणिआ दुख पाप का नास नानक भगता सदा विगास। उहनां दे चेहरे ते सदा विगास हुंदा है, उहनां दे अंदर एक अनहद धुनी हुंदी है। जदों आपां वाहिगुरु गुरमंत्र दा अभ्यास करांगे खालसा जी जां मूल मंत्र दा अभ्यास करांगे, ते कहिंदे ने पहला साडी ये रसना ये उह शब्दां दी धुनी बनावेगी, सतनाम वाहिगुरु की बाहरली धुनी बनावेगी। पर सच जाणिओ जिद्दन साडा ये मन साडी सुरती उस वाहिगुरु गुरमंत्र की धुनी नूं सुनण लग पई, फिर एक अंदर की धुनी बनेगी, अनद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे। पर प्यार वालिओ ये शब्दां नाल बयान करना तो बहुत सुखैला है, जिन्हां ने कमाई की है इबादत की है अवस्था उन्हां नूं प्राप्त होनी है। नाम सज्जन दा जीव चढ़ गया जां सज्जन उठ तुरिया। भाई साहब भाई वीर सिंह जी दीआं सत्रां ने वह कहिंदे ने नाम सज्जन दा जीव जां चढ़िया जां सज्जन उठ तुरिया, मल ले दो नैन ध्यान ने सबक रजा दा फुरिया।
कहिंदे ने जदो सज्जन दा नाम परमात्मा दा नाम वाहिगुरु दा नाम मेरी रसना ते टिक गया ना, ये जिहड़ा अंदरला मन परमात्मा वाल नहीं सी जांदा ये फिर परमात्मा दे राह तुरन लग पिया। नाम सज्जन दा जीव जा चढ़िया जा सज्जन उठ तुरिया, मल ले दो नैण ध्यान ने, ये जिहड़े दो नेत्र सन जिहड़े हर पल माड़ा तकदियां सन ईरखा दी भावना नाल कामनावां दी नाल, कहिंदे ने इन्हां नेत्रां दे अंदर अमृत वरसण लग पिया कदों, जदों मल ले दो नैण ध्यान ने, जदों परमात्मा दे नाम दे ध्यान ने मेरे नैण मल ले, ते फिर प्राप्त की होया सबक रजा दा फुरिया। सबक रजा दा जो गुरु नानक साहब ने कहा ना हुक्म दी पहचान कर, कहिंदे जदों अभ्यास करन लग पिया बाणी पढ़न लग पिया फिर प्यार वाले सबक रजा दा फुरिया, फिर कहिंदे ने सुरती नूं परमात्मा दी रजा दे अंदर चलण दी जाच आ गई। सो भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने यह सत्रां लिखियां अपने मन की अवस्था दी के किते संसार दे विच गुरु के सिख विचर रहे ने उन्हां नूं भी परमात्मा दे नाम दा बिरहो जाग पवे वैराग जाग पवे। भाई साहब कहिंदे बिरहो दे हथ सौंप असानू जे सज्जन तू राजी याद तुसां दी छुटे ना साथों, प्यार रहे लू पड़िया महाराज जे तुसी सानू बिरहों दे हाथ सौंपना चाहते हो जे तुसी राजी हो सच जाने हो मेरे हिरदे दे विच्चों कदे याद नहीं विसरेगी। पर विसर दी उन्हां दे हिरदे विच्चों नहीं जिन्ना अंदर भावना है जिन्ना अंदर गुरु प्रति प्रेम है। सो सतगुरु कहिंदे ने हर पल मन दे उत्ते तेरे चेहरे दे उत्ते एक सहज अवस्था होवेगी, तेरे चेहरे दे उत्ते खेड़ा होवेगा, ते कहिंदे ने सहज अवस्था दी धुनी तेरे मन दे विच गूंजदी रहेगी। प्यार वाले ओ सहज अवस्था दी धुनी मैं खिण मात्र बेनती करां, कई बार संसार दे विच विचरदियां काम कर करदियां ना साडा मन कई बार काला जा पै जांदा बेचैन होण लग पैंदा, कई बार परेशानी आ जाए तो मन काला जा पैन लग जाता है, साडे बोल होंदे ने पता नहीं मन काला पै रहा बेचैनी आ रही है। पर जेडे गुरसिख बाणी पढ़ते ने नाम अभ्यास करते ने कहते ने उन्हां दे उत्ते संसार की वड्डी तो वड्डी मुश्किल आ जाए पर उन्हां दे चेहरियां दे उत्ते हमेशा खेड़ा ही रहिंदा है, उन्हां दे अंदर एक सहज अवस्था रहिंदी है, वह डोलते नहीं वह डिगते नहीं, ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी। भगत जेड़े ने गुरसिख जेड़े ने गुरमुख ने वह डोलते नहीं सहज अवस्था के मालक होंगे ने। वेखो मैं दो के उदाहरण इतिहास विच्चों खिण मात्र दवा कि जदों साडे उत्ते कोई भीड़ बन पवे साडे मथियां ते त्यूड़ियां आ जांदियां चेहरियां दे उत्तों रौनक चली जांदी है, क्योंकि यह जिहड़ी रौनक चेहरियां दे उत्ते है खेड़ा है यह संसार के पदार्थां दा है। चेहरे की असली रौनक उदों पता लगती है जदों कोई कहर वापे उदों गुरु की बाणी का असर पता लगता है। हजे तक चेहरियां ते रौनक संसार की है इस करके खिण मात्र दे विच उड़ जांदी है, पर जदों निरंकार दे नाम की रौनक चेहरे ते आ गई सदा लई कायम रहेगी। इतिहास दे विच बचन ने खालसा जी के खालसा पंथ के महान जरनैल सिंह साहब बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया जिन्हां ने खालसा जी 4 साल की उम्र के विच ही अपनी माता दे नाल बैठ करके सरंदे दे नाल कीर्तन करिया करना। मैं बेनती ये करनी है भी उन्हां दे चेहरियां दे उत्ते खेड़ा कित्थों तक रहा, उन्हां दे चेहरियां दे उत्ते आनंद कित्थों तक रहा, उन्हां दे अंदर सहज अवस्था कित्थों दी हद तक रही। उस महान जरनैल ने जिन्हां ने कदे अकाल तख्त साहब की जथेदारी की भी सेवा नभाई, जिन्हां ने बुढ़ा दल की भी सेवा नभाई जथेदारी की, प्यार वालियो 4 साल की उम्र तो ही अपनी माता दे नाल बाणी पढ़ते ने बाणी कंठ करते ने कीर्तन करते ने, ते कहंदे ने जदों फिर भीड़ बन गई ना कदे जलंधर का हाकम सलाबत खान चढ़ के आया कदे अहमद शाह अबदाली चढ़ के आया, ते कहंदे ने एक दिन